हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विपिन कुमार शर्मा। और बच्चों, आज क्वेश्चन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब क्वेश्चन रहा बेटा आपका ये, आपको क्या बोल रखा है, जेड वन जेड टू जेड थ्री के हैं वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद जेड नॉट इसका क्या दे रखा है, सेंट्रोइड। और यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोल रखा है, जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आएगा, वो आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो चलिए बेटा सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसके लिए। तो डायग्राम आपके पास अभी ट्राइंगल क्या थी, ए बी सी, तो इसका ए बी और सी, इसके लिए ले लिया जेड वन और इसके लिए लिया जेड टू और इसके लिए ले लिया जेड थ्री। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, निकालने के लिए मुझे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहिए बेटा। अब उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को डायरेक्ट न लिखाकर मैं पहले क्या कर रहा हूं, उसको प्रूव कर रहा हूं, निकाल रहे हैं हम कि कैसे आपने उसको वैल्यू को लाना है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा तो मैंने क्या करना है, उस रिजल्ट का यूज करके इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोला डिस्टेंस को अल्फा, इसको बोल दिया बीटा और इसको बोल दिया क्या, गामा। ठीक है, तो चलिए क्या क्या बोल रहे हैं आपने, लेट कितना है जेड टू माइनस का कितना जेड थ्री इक्वल टू बराबर अल्फा, जेड टू माइनस जेड थ्री इक्वल टू अल्फा। अब जेड थ्री माइनस जेड वन, जेड थ्री माइनस कितना बेटा जेड वन इक्वल टू बराबर बोला बीटा की। अब जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन माइनस कितना बेटा जेड टू किसके बराबर ले लिया, गामा के बराबर। ठीक है, अब अगर मैं इनका सम करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अच्छा जेड टू के साथ जेड टू कैंसिल, जेड थ्री के साथ जेड थ्री, जेड वन के साथ जेड वन, कितना आंसर आ गया आपके पास, जीरो। तो ये बनी आपकी क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आपकी ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें सारी डिस्टेंसेस आपकी क्या होंगी, बराबर आएंगी। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल है तो इसका मतलब ए बी डिस्टेंस इक्वल टू बी सी डिस्टेंस इक्वल टू सी ए डिस्टेंस। ठीक है, अब ए बी है तो ए बी के लिए क्या बनेगा, जेड टू माइनस जेड वन कर दीजिए, मॉड के अंदर चाहे जेड वन माइनस जेड टू कर दीजिए, तो आपके पास बना जेड टू माइनस कितना, जेड वन माइनस जेड टू का मॉड और इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी, बी सी कितना बन जाएगा बेटा आपके पास जेड थ्री माइनस कितना जेड टू, या जेड टू माइनस जेड थ्री कर दीजिए, इक्वल टू कितना बन जाएगा सी ए, कितना है जेड थ्री माइनस का कितना जेड वन, या जेड वन माइनस जेड थ्री कर दीजिए। अच्छा, इस जेड वन जेड टू को डिस्टेंस को आपने कितना बोल रखा है, जेड वन माइनस जेड टू आपने बोला है बेटा गामा, तो क्या बन गया मॉड ऑफ गामा, और जेड थ्री और जेड टू को, जेड थ्री और जेड टू को क्या बोला आपने अल्फा, तो बन गया मॉड ऑफ अल्फा, और ये आपका क्या बन जाएगा मॉड ऑफ बीटा, या इसी चीज को क्या करिए बेटा मॉड ऑफ कितना अल्फा स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ कितना बीटा स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ गामा स्क्वायर। अब स्केलिंग क्यों की, क्योंकि आपके पास मॉड उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यू होती है इसकी, तो अब मैंने क्या करना फॉर्मूला अप्लाई करना, क्या बन जाएगा बेटा, और मान लीजिए बराबर है तो चलिए इसको के बराबर रख सकते हैं, सी एनी नंबर रियल नंबर, तो ये क्या बन जाएगा अल्फा इंटू अल्फा बार, और ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास बीटा इंटू बीटा बार, और ये क्या बन जाएगा गामा इंटू गामा बार इक्वल टू कितना के बराबर। ठीक है, अब यहां से मैंने एक वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, तो यहां से वैल्यू बेटा अब देखिए ये वैल्यू किसके बराबर है के बराबर, तो इसको के बराबर, ये भी किसके बराबर है के बराबर, ये भी किसके बराबर है के बराबर, तो इनको अलग अलग कर दीजिए पुट, अल्फा इंटू अल्फा बार इक्वल कितना के, तो आप पास अल्फा बार की वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास के अपॉन अल्फा। ठीक है, वैसे ही आपके पास बीटा बार की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये बनेगी के अपॉन बीटा, और गामा बार इक्वल टू किसके बराबर बनेगा के अपॉन गामा। ठीक है बेटा, यहां से मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब बेटा मैंने क्या करना है, इक्वेशन नंबर वन का यूज करना है, इक्वेशन नंबर वन का यूज करिए, मैंने क्या करना है इसका बार लेना दोनों साइड, टेकिंग बार ऑन बोथ साइड, तो आपके पास क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल बार इक्वल टू जीरो बार। अब इस पर बेटा प्रॉपर्टी लग जाएगी, अल्फा बार प्लस बीटा बार प्लस गामा बार जीरो का बार जीरो रह जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आया बेटा कितना वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा इक्वल टू किसके बराबर जीरो, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब उसके बाद ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आई वो वैल्यू डाल दीजिए बेटा। तो उसके बाद नेक्स्ट उसमें अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए, आप किसके बराबर ली थी आपने, तो बन गया वन अपॉन जेड टू माइनस जेड थ्री, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी जेड थ्री माइनस जेड वन, प्लस वन अपॉन गामा की वैल्यू डाल दीजिए बेटा जेड वन माइनस कितना जेड टू इक्वल टू कितना जीरो के बराबर। तो ये रिजल्ट आया। अगर बेटा मैं इसको और सॉल्व करूं
यहां से मेरे पास तीन रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। एक आप तो बना पाओ ना प्लस बना पाओ बीटा प्लस बना पाओ गामा इक्वल बराबर होगा बेटा जीरो। अगर ये जीरो है तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करूं, इनको एलसीएम में लेके सॉल्व कर दूं, तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा बेटा जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर और प्लस जेड थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रिजल्ट मेरे पास बन जाएगा किसके बराबर, ये जेड वन इंटू जेड टू प्लस Z2 into Z3 और प्लस Z3 into Z1 के बराबर। अगर बेटा मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना, जो गिवन क्वेश्चन है उनमें ये रिजल्ट यूज करना है, तो मुझे ये रिजल्ट चाहिए था, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, पहले इसको प्रूव करना पड़ा। अब बेटा मैं ले रहा हूं गिवन क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, अब क्योंकि मेरे पास रिजल्ट आ चुका है तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, तो सेंट्रोइड से चलते हैं बेटा। सेंट्रोइड दे रखा है ट्रायंगल का, सेंट्रोइड का फॉर्मूला z1 प्लस कितना बेटा z2 प्लस कितना z3 अपॉन में कितना 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास बनेगा 3z0 इक्वल टू कितना z1 प्लस z2 प्लस कितना z3। अब मुझे चाहिए स्क्वेयरिंग में, है ना, तो इसकी कर दीजिए स्क्वेयरिंग वो साइड, तो अरेंज करके लिखना बेटा z1 प्लस कितना z2 प्लस कितना z3 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 3z0 स्क्वायर। अब बेटा इसके लिए लगा दीजिए फॉर्मूला, आपके पास बना z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ 2 में बाहर को मिल रहा हूं, आपके पास बना z1 into z2 प्लस z2 into कितना z3 और प्लस z3 into z1 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा बेटा, ये इस साइड ये बना 9z0 स्क्वायर। अच्छा इसकी वैल्यू डाल दीजिए किसके बराबर निकाला आपने, सिलेंडर रिजल्ट निकाला ये, ठीक है। तो यहां पे बन जाएगा z1 स्क्वायर और प्लस कितना बेटा z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ किसका, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू 9z0 स्क्वायर। अच्छा z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर z3 स्क्वायर है, 2 ये है एक ही है, 3 बन गया, आपके पास बना 3 * z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर और इक्वल टू कितना 9z0 स्क्वायर। तो बेटा आपके पास z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू कितना बना 3z0 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपने निकालनी थी, तो आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा, ये सी। सो थैंक यू बेटा।